तो गर्मी में बकरियों का ख्याल करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें लू से भी कैसे बचाया जाए, ये हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन को जानकारी नहीं होती है। तो आज हम विशेषज्ञ से मिलेंगे और लेंगे इसके बारे में अधिक जानकारी। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु शेखर है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूँ। ये बड़ा ही समसामयिक आपने क्वेश्चन पूछा है हमसे, आपने प्रश्न उठाया है कि बकरियों में होने वाले रोग एवं ये जो अभी गर्मी का चल रहा है इसमें कैसे लू से बचाव किया जाए। तो सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे कि ये जो अभी वातावरण का तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है, अभी करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान है, तो ऐसे परिस्थिति में जो हमारी बकरियां हैं उससे प्रभावित होती है। जो तापमान उसके लिए सबसे अच्छा रहता है बकरियों के लिए, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका वातावरण का टेम्परेचर रहेगा तो बकरी का जो है बहुत ही अच्छा रखरखाव के लिए अच्छा माना जाता है। उसको हम लोग कंफर्टेबल जोन कहते हैं कि बकरियां उसमें काफ़ी कंफर्ट रूप से अच्छा खाना पीना खाती हैं। लेकिन जैसे जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होती है बकरियां खाना पीना कम कर देती हैं और बकरियों में विभिन्न तरह के रोग होने की समस्या हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एकाएक तापमान बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थितियों में बकरियों में लू होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो लू होने में क्या होता है कि बकरियां को जो है बहुत तेज़ सांस होने लगता है, बकरियां का टेम्परेचर जो है, जैसे बकरियां का टेम्परेचर नॉर्मल होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो जो है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि बकरियां जो है गिर जाती हैं और खाना पीना बंद कर देती हैं और वो उस कभी कभी बकरियाँ की मौत हो जाती थी। इससे बचाव के लिए हमें कुछ जो है हमें उसके रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए। तो रखरखाव पर ध्यान देने के लिए हमें सर्वप्रथम जो है ऐसे जगह का आवास बनाना चाहिए जहाँ छायादार हो, और हमें जो है ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जहाँ जो है वातावरण में हवा जो है उसका प्रवेश काफ़ी अच्छा हो, और समय समय पर उसको हम लोग स्वच्छ जल मुहैया कराएंगे। और सबसे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम बकरियां को चरने के लिए भेजते हैं, तो चरने के लिए हम जो है उसको जो है 5 से 8 बजे तक ही चराएं सुबह में, और शाम में जो है 5 से लेकर 6 बजे तक ही चराएं। जो दोपहर का समय है उस समय को हम लोग चराने में उपयोग ना करें, क्योंकि उस समय टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और बकरियाँ में लू का प्रकोप बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके बकरियों में लू का लक्षण इस तरह दिख, तो हमें आसपास के पशु चिकित्सक का के सलाह के अनुसार हम लोग उसका उपचार करते हैं। किसान भाइयों से हमारा यही गुजारिश है कि बकरियों को तब तक हवादार स्थान पर रखें, उसको धोते रहें, अगर बर्फ़ उपलब्ध ना हो तो उसको धोते रहें, जिससे उसका जान बचाया जा सकता है। बकरियों का आवास जो है अभी खास करके गर्मियों के मौसम में ऐसा होना चाहिए कि वो हवादार हो, हवा का प्रवेश उसमें काफ़ी अच्छा हो, वो ऐसे जगह पे हो जहाँ छाया का ज़्यादा व्यवस्था हो, बकरियों को वहाँ स्वच्छ जल का प्रबंधन हो। आवास में हम लोग ऐसा व्यवस्था करते हैं कि बकरियों को जो है बम्बू प्लेटफॉर्म, मतलब बांस के प्लेटफॉर्म पर अगर हम बकरियों को रखते हैं तो क्या होता है, उसका मल मूत्र जो है बकरियों के संपर्क में कम आता है, और बकरियाँ का साफ़ सफाई पर जो खर्च होता है वो भी कम हो जाता है, और बकरियां जो है बहुत सारा परजीवी रोग से जो है इस अगर बम्बू प्लेटफॉर्म पर रख के हम लोग आवास व्यवस्था करते हैं तो उसको गर्मी से भी बच जाता है, और बहुत सारा जो पैरासिटिक रोग परजीवी रोग होता है उससे भी बचाव होता है।